धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं ये इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2019, इसके बारे में मेरा विचार रखना चाहता हूँ। अभी माननीय आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इतिहास के बारे में पूरा बता दिया है, जो बिल के पीछे हिस्ट्री थी। लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी और एक ओवरसाइट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सरकार को कहा था। उस मुताबिक ओवरसाइट कमेटी तैयार की गई थी और इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है उसका काम के काम देखने के लिए, उसका उसको सुझाव देने के लिए ओवरसाइट कमेटी थी। लेकिन उसके सुझाव ना मानने की वजह से इस कमेटी ने जुलाई 2018 में अपना रेसिग्नेशन दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती थी वैसा एमसीआई, सुप्रीम कोर्ट जो चाहता था वैसा एमसीआई की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा था और इसलिए उस कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। और इसलिए सरकार को जुलाई 2018 को ये हुआ और इसलिए सरकार को एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जिससे सर्वसमावेशक नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल जो है, कमीशन बिल, वो जल्दी ही सरकार लाएगी। इसके लिए समय लगने वाला था और इसलिए सरकार ने यह नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के लिए जो समय लगेगा उसके लिए इस बीच में और एक ऑर्डिनेंस लाया, जो कि जिसके ऊपर अपन चर्चा की है। जिसके ऊपर सर एमसीआई के कुछ इश्यूज थे जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस एमसीआई में प्राइवेट रिप्रेजेंटेशन, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स कोई रहता नहीं था। ये हमारे लिए, सबके लिए ये समझना चाहिए कि यदि हमें लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देनी है तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एमसीआई में भी रहना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे डॉक्टर्स, जहां अच्छे डॉक्टर्स ले पाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसा करिकुलम बना सकेंगे। वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि कोई भी स्वास्थ्य की समस्या हो, कोई भी स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा हो, वह सब पेशेंट सेंट्रिक रहना चाहिए। यानी पेशेंट मुख्यता है, रुग्ण मुख्य है, पेशेंट के लिए हम सब सीख रहे हैं ताकि उसका जो भी स्वास्थ्य का प्रश्न है वो हम हल कर सकें, प्रिवेंट कर सके, उसके बारे में सभी कुछ पेशेंट सेंट्रिक चाहिए। लेकिन एमसीआई में ऐसा कोई मेंबर नहीं था जो पेशेंट की बाजू रख सके, सभी डॉक्टर्स थे, एक भी सिटीजन फोरम का मेंबर नहीं था। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन विल बी सपोर्टिव टू द हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इन जनरल फॉर इंडिया। तो यदि इस कानून में बदलाव लाना था तो पहले भी एक बार सभी का कहना था कि ये एमसीआई एक्ट बदलना चाहिए, यानी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पार्टी ऐसा कह रही थी कि एक्ट बदलना नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है ये बदलना बहुत ज़रूरी था जो सरकार ने इसके लिए कदम उठाया और वो पब्लिक इंटरेस्ट में कदम उठाया हुआ है। सर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस, कितने स्टूडेंट्स रहना चाहिए, कैसे क्वालिटी एजुकेशन रहना चाहिए, ये सब एमसीआई तय करता है। हमें सबको पता है कि डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, हमें सबको पता है कि डॉक्टर्स की संख्या की कम होने की वजह से स्वास्थ्य का जो प्रश्न है, पब्लिक हेल्थ का, वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी हम किसको देते हैं कि सरकार ने ये स्वास्थ्य के, पब्लिक पब्लिक हेल्थ के बारे में अच्छे कदम उठाए नहीं, हम ऐसा बार बार कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। सर एमसीआई कंप्लाइन नहीं करती है कि मेडिकल एजुकेशन और स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ाया जाए, मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी बने, और जिम्मेदार के सरकार है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेडिकल एजुकेशन और स्टूडेंट्स की संख्या में सरकार का कोई महत्व नहीं, उनके सुझाव का कोई महत्व नहीं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि नया कानून लाया जाए और जिससे हम ये कह सके कि स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ सके,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा बने। तो इसमें अब मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये ऑर्डिनेंस आया है, मुझे लगता है करीबन 15,000 स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ाया गया है, और महाराष्ट्र का मैं पक्का बता सकता हूँ 1,250 स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया है। तो ये बहुत ज़रूरी था, ये सालों से होना चाहिए था, तो ये हुआ नहीं था, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है कि हम इसका साथ दें। सर, MCI के फंक्शंस क्या थे, जिसका काम क्या था, यह हम देखते, तो क्वालिटी एजुकेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। करिकुलम बनाए और क्वालिटी एजुकेशन दी। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि MBBS डॉक्टर्स ऑटोप्सी करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, और यह अपेक्षा है कि वो पोस्टमार्टम कर सके, यह कौशल कसब या स्किल उनको चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक भी ऑटोप्सी होती नहीं है, आज तक के हुई नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑटोप्सी देखी नहीं, की का करने का तो छोड़ दीजिए, देखी भी नहीं, उनको जिम्मेदार हम ठहराते हैं कि उन्होंने बाद में बाहर निकलने के बाद ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम करना चाहिए, रेप केसेस का एग्जामिनेशन करना चाहिए, जो जिन्होंने किया ही नहीं रहता कभी, और सैंपल कलेक्शंस उनको पता नहीं, और ये लोग फिर मर्डर केसेस में, रेप केसेस में जो भी एविडेंस देते हैं, सैंपल कलेक्शंस फॉल्टी हो जाते हैं, एविडेंस जो देते हैं उसके बारे में उनको खुद को जानकारी नहीं रहती है। तो मुझे ये बताइए कि वो हम कैसा अपेक्षा रखें कि कोर्ट कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा रहे क्राइम्स के बारे में, रेप केसेस के अगेंस्ट, ये हो नहीं सकता। तो कोई ऐसे डॉक्टर हो सकता है क्या कि मेडिकल कॉलेज में उसने सर्जरी देखा नहीं, सर्जरी किया नहीं, और ऑपरेशन करना शुरू कर देगा डायरेक्टली? ऐसे करिकुलम MCI के तरफ से हो रहे थे सर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये इसलिए होता था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, इसमें नियम ऐसे थे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑटोप्सी नहीं होगी, तो इसलिए ये परेशानी दूर करो, ये करिकुलम में रखो मत। लेकिन ये सोचा गया नहीं कि उसको बाहर जाने के बाद क्या परेशानी होगी और पब्लिक को क्या परेशानी है उससे, इसके बारे में नहीं सोचा गया है। तो हमेशा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में ही ज़्यादा सोचा गया है। ये भी बताना चाहूँगा, डॉक्टर इंद्रजीत खंडेकर है सर, वो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट है, उन्होंने भी इसमें कोर्ट में इसके लिए एक अपील की थी कि ये करिकुलम में चाहिए, लेकिन उसके बारे में भी बाद में MCI ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये मेरा कहना है कि हमें लगता है कि करिकुलम के लिए ये सब एक्सपर्ट्स हैं तो अच्छा बनाएंगे करिकुलम, लेकिन वैसा हो नहीं रहा था। स्टैंडर्ड सभी, यानी पूरे इंडिया में एक ही मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड रहना चाहिए, यह भी उसका काम था सर। लेकिन हमें सबको पता है कि कौन से स्टेट में कैसा कैसा स्टैंडर्ड है, और मेडिकल एजुकेशन बॉम्बे में और कोई बिहार एरिया में यदि हो रहा है तो कितनी डिस्पैरिटी है, तो वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन अच्छे से नहीं हो रहा था। तीसरा ये था कि एथिकल प्रैक्टिस, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो मैंने पहले ही बताया कि पेशेंट का रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं था उसमें, सिटीजन फोरम का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वैसे ही सर, करीबन 8 लाख से ज़्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, और ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में से 2010 के पहले नॉन एथिकल प्रैक्टिस के लिए किसी के ऊपर एक्शंस ली होंगी तो ये 8-10 लोग होंगे, या बहुत ही कम लोग थे। 2012 में 134 लोग थे, क्योंकि बाद में न्यूज़पेपर में आया कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले रहे MCI, इसलिए फिर वो नंबर थोड़ा बढ़ गया। लेकिन आप तय कीजिए कि हम क्या ये सही है कि 8 लाख डॉक्टर में सिर्फ अनएथिकल प्रैक्टिस करने वालों की संख्या इतनी कम है। तो ये एक बायस्ड ओपिनियन होने लग गया था सर, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशंस बाकी लोगों का नहीं था, और ये बहुत ज़रूरी था, इसमें बदलाव एसेंशियल था। मेडिकल कॉलेज का एक्रेडिटेशन प्रोसेस है सर, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और ये प्राइवेट कॉलेज के लिए बहुत ही फेवरेबल होता था। आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो 100 साल से, जहाँ पेशेंट का नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या 50 से 100 है, और प्राइवेट कॉलेजेस नए नए खुले हैं, पेशेंट्स उनके पास नहीं है
ज़्यादा, फिर भी उनके स्टूडेंट्स की संख्या 200 से ज़्यादा है या 200। तो ये जो प्रॉब्लम थे, इसके लिए बहुत ज़रूरी था नया बिल लाना और ये सब काम करना। इसमें परेशानी मेरे ख्याल से सिर्फ MCI के नहीं थी सर, ये वातावरण भी वैसे ही हुआ था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो दिए गए थे सर, वो उस वक्त कौन पार्टी का आदमी है ये देख के दिए जाते थे, और पार्टी का आदमी ये देख के मेडिकल कॉलेजेस खोलता था और चलाता था कि वो इकोनॉमिकल सोर्स है। डोनेशंस इतने ज़्यादा लिए जाते थे जो कि ऑन पेपर नहीं होते थे। तो ये डोनेशंस लेने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं होगी कि जिसने 100 साल या 50 साल एजुकेशन में काम किया इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, वैसा नहीं था। ये पार्टी लोगों के लिए देते थे, और यदि कोई अच्छा MCI मेंबर इंस्पेक्शन करके बताता है कि नहीं ये सुविधा चाहिए, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो दूसरी बार मेंबर नहीं रह सकेगा। यह सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले देखते थे, और इसलिए ये परेशानी थी। और ये मोडस ऑपरेंडी होने की वजह से ये हमें समझना चाहिए कि ये शुरुआत पहले पार्टी के तरफ से हुई थी, जिसकी वजह से ये परेशानी बहुत बड़ी बढ़ने लग गई थी। यानी मेडिकल काउंसिल से ज़्यादा लगता है मुझे ये वातावरण जो है उसकी वजह से ये परेशानी हुई। ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मेडिकल कॉलेज शुरू करना यानी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसा लोग समझने लग गए थे सर। दूसरी बार मैं ये कहूँगा, MCI वॉज पपेट इन द हैंड्स ऑफ दिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सर। ये वातावरण के बारे में मैंने बताया, मैं जल्दी सब करूँगा। और ये लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी ये पूरी तरह से बंद हो गया है डोनेशन सिस्टम, और ये आज सभी इसमें जो भी फीस है वो हम कह सकते हैं कि आप वाइट मनी है। अभी पहले सरी का यानी ऐसा कुछ नहीं कि आप डोनेशन दो और एडमिशन लो, तो ये पहली बार हुआ है, ये मोदी सरकार में हुआ, ये हेल्थ मिनिस्टर ने किया हुआ काम है सर। मैं कहना चाहूँगा कि जो नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज में सरकार की तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसलिए मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा। सर डॉक्टर विकास, मुझे पता है कि डॉक्टर्स लोग इस निर्णय से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, और मुझे भी लगता है कि डॉक्टर्स का निर्णय प्रक्रिया में रहना बहुत ज़रूरी है, और मुझे विश्वास है कि सरकार जो भी आगे बिल आएगा नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसमें डॉक्टर्स भी निर्णय प्रक्रिया में रहेंगे, ऐसा ही उसमें है, और मुझे विश्वास है वो उनका अच्छा उसमें भागीदारी रहेगी, और जिसकी वजह से देश के हित के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए काम होगा। और मैं इस ये विचार रखते हुए बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।